Hi learners, this is Alisha Mahajan from Money Academy. Hope you are doing well. So guys, पिछले लेक्चर वीडियो में हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है उनको डिस्कस किया है, ठीक है. इस लेक्चर वीडियो में हम क्या करेंगे, हम करेंगे कुछ MCQs को रिवाइज, ठीक है, जिससे आपको पता लग जाए कि हाँ हमारे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो रही है, ठीक है ना. सो कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो है जो मैं इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करूंगी. सो लेट गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. दिस इज अलीशा महाजन. आई एम अ वेरीफाइड एडुकेटर एट द प्लेटफॉर्म कॉल्ड अनअकैडमी. आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं. अलीशा महाजन नाम सर्च करेंगे NTA UGC कैटेगरी में. मैं वहां पर पढ़ाती हूँ. सो यू कैन वॉच मी देयर ऑल्सो. एंड यहाँ पर भी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल, ठीक है. सो पहली स्टेटमेंट हम देखते हैं. देखो जब मैंने ऐसे लिखा ना, इट मीन्स ये फर्स्ट स्टेटमेंट होती है, ये सेकेंड होता है, थर्ड वाला उसका कॉन्क्लूजन होता है. सो थर्ड वाले को कॉन्क्लूजन समझते हैं. देखो अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी है तो आपको ये समझ नहीं लगेगा. सो पहले फर्स्ट पार्ट देखें, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर इस पर आए. आपको लग रहा होगा कि कितने ज्यादा है, लेकिन यस, इसको सीक्वेंस के साथ मैंने प्रिपेयर करा है. सो इस सीक्वेंस के साथ अगर आपको करेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे लेवल पर होगी. सो गाइज ये आपने देखना है, एक वैलिड मूड फिगर है कि नहीं है, वैलिड है कि नहीं है, ठीक है. सो गाइज इसमें हमने देखा, पहला तो वर्ड है नथिंग, दूसरा है बेटर, तीसरा है गॉड, चौथा है रुपी. सो हमने क्या डिस्कस किया था, हमारा पहले रूल था कि चार टर्म्स नहीं होनी चाहिए. कितनी टर्म्स होनी चाहिए, थ्री टर्म्स होनी चाहिए. सो गाइज इसको हम बोलते हैं फैलसी. डिफरेंट डिफरेंट फैलसीज भी आपको करवाऊंगी, अभी फिलहाल इसके अंडर की देखें. फैलसी ऑफ फोर टर्म्स, जब आपकी चार टर्म्स आ जाती है, लेकिन रियल में क्या होता है कि हमारी तीन टर्म्स ही होनी चाहिए. सो नथिंग, बेटर, गॉड, रुपी. सो ये हमारा गलत हो जाता है. दूसरा आप इसको समझे तो हमारा नथिंग जो है वो एम्बिगुअस है. नथिंग इज बेटर देन गॉड, फिर कहते हैं वन रुपीज नथिंग, फिर वन रुपीज बेटर देन गॉड. सो ये वन रुपीज बेटर देन नथिंग आना है, बेटर देन नथिंग, ठीक है. सो आई होप गाइज यू आर क्लियर विद दिस. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर देखे, ग्रीन इज कलर, प्लांट इज ग्रीन, सो प्लांट इज कलर. इसका देखे कोई सेंस बनी है, ठीक है, सेंस बनी है. अब दूसरी चीज क्या है इसको रिवाइज करने के लिए, वो भी हम देखते हैं. सबसे पहले तो ये हमारे ये मिडल टर्म है, ठीक है, मिडल टर्म है, और ये हमारा ये अगर कुछ नहीं लिखा है तो ये ऑल 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 होता है, ठीक है. लेकिन गाइज एक बार भी बोलते हैं ग्रीन इज कलर, ग्रीन इज कलर, दूसरे में बोलता प्लांट इज ग्रीन, तो दोनों को सेम बना दिया, प्लांट जो है वो कलर हो गया, ठीक है. जैसे ग्रीन इज कलर, ऑल ग्रीन इज कलर, इस तरीके से देखते हैं. प्लांट इज ग्रीन मतलब प्लांट इसके अंदर डाल दिए, प्लांट इज ग्रीन. सो क्या प्लांट कलर हुआ, सारे के सारे प्लांट कलर हुए? नहीं, कुछ प्लांट ग्रीन भी तो है ना. सो अगर आप इसे वेन डायग्राम के थ्रू भी देखते हैं तो भी ये सही नहीं होता है. आप अगेन अगर आपको वेन डायग्राम नहीं समझ लगी है तो फिर से बना रही हूं. वेन डायग्राम ग्रीन, इसमें आपने ऑल वर्ड लिखना है इफ नथिंग इज मेंशन, ऑल ग्रीन इज कलर. प्लांट इज ग्रीन, प्लांट इज ग्रीन का मतलब है ग्रीन के अंदर प्लांट आएगा, प्लांट इज ग्रीन, तो कहते हैं प्लांट कलर है. प्लांट सारे का सारा, ऑल प्लांट इज कलर, सारे का सारा प्लांट कलर है? नहीं, कुछ प्लांट ग्रीन भी तो है ना. सो दैट्स व्हाई ये भी हमारा एक गलत स्टेटमेंट हो जाती है. अगर आपको कोई चीज इस तरीके से भी ना समझ लगे तो एक बार गाइज वेन डायग्राम जरूर बना लेना, क्योंकि अदरवाइज ये वेन डायग्राम के थ्रू तो हमारा हमें लगेगा, और मतलब नॉर्मल रूल्स के थ्रू तो हमें लगेगा ये ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये ठीक नहीं है. एक और चीजों की और एग्जाम्पल्स दूंगी मैं आगे मूड्स एंड फिगर्स में. ध्यान से ये जो 6-7 एग्जाम्पल्स है ना इसको समझिए. अब देखे ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल एनिमल्स आर मॉर्टल, ऑल एनिमल्स आर मैन. सबसे पहले हमारा क्या रूल होता है, जो ऑल के साथ वर्ड लगा होता है एनिमल, वो कहां पर आना चाहिए, वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. तो आपने कहा कि हां जी ये तो सेकेंड वाली स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूट है,
दैट इज कंक्लूजन में जो ऑल है उसके साथ वाला वर्ड दैट इज एनिमल हमारा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इस रूल के अकॉर्डिंग ये हमारा ठीक है, लेकिन गाइज आपको पता होना चाहिए जो हमारे ए ए ए थी, जो मैंने आपको हमारा की ट्रिक करवाई थी, हमारा वो तो फिगर नंबर वन में आता है। अब हमने यहाँ पर देखना है क्या ये फिगर नंबर वन में आ रहा है। सो आंसर इज नो, क्योंकि ये मॉर्टल कहाँ पर है, दोनों राइट साइड पर है। इसके अकॉर्डिंग हमारी जो फिगर बन रही है, फिगर बनानी आती है ना, ऑल का मतलब ए, ये वाले ऑल का मतलब भी ए, ये वाले ऑल का मतलब भी ए, तो हमारी हमारा मूड क्या बना, ट्रिपल ए। और फिगर कैसे बनेगी, अगर अगर यहाँ पर ये वाला मॉर्टल तो ठीक है, अगर ये मेन की जगह भी मॉर्टल होता ना तब ये हमारा ठीक होता, लेकिन इन्होंने मॉर्टल को राइट साइड पर लिख दिया। लेकिन हमारा जो ट्रिपल ए होता है वो तो फिगर नंबर वन पे ही आता है, तो इसके अकॉर्डिंग, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये तो फिगर नंबर टू है। अगर आपको नहीं पता लग रहा है कि ये फिगर नंबर वन क्या है, फिगर नंबर टू क्या है, तो पहले वो वाली वीडियो देखो, तभी मैंने बोला है सीक्वेंस में देखोगे तो समझ लगेगी, और जिनको फिगर समझ लग गई है उनको ये स्टेटमेंट भी क्लियर हो जाएगी। सो गाइज इसमें हमारी कौन सी गलती है, इट मीन्स इसमें हमारी ये जो माइनर हमारी टर्म है उसकी फैलसी नहीं है, माइनर ने कोई गलती नहीं करी है, उसके अकॉर्डिंग ये ठीक है क्योंकि माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूट हुई है। लेकिन यहाँ पर मिडल टर्म दैट इज मॉर्टल, मॉर्टल क्या होता है, मिडल टर्म दैट इज जो अपीयर करता है ट्वाइस, तो मिडल टर्म दैट इज मॉर्टल इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट्स वाई हमारा ये गलत हो जाता है, ये होता है फैलसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। लिख लीजिए, अभी सिर्फ लिखने का काम कीजिए जब तक आपको समझ नहीं आती है, लेकिन बार बार रिवाइज करने से आपको ये क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है। अब देखते हैं, पहली स्टेटमेंट कहती है ऑल हिंदूज आर आर्यंस, दूसरी कहती है नो हिंदूज आर आर्यन, तीसरा कहता है नो पैरिस आर आर्यन। एक हमने रूल पढ़ा था, अगर एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट, अगर दो नहीं, यहाँ पर दोनों की दोनों यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, इसीलिए हमारा वो वाला रूल नहीं एप्लीकेबल होगा कि जहां पर दो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, ठीक है। इसको अब हम देखते हैं, अब नो वाले के साथ क्या रूल होता है, कंक्लूजन में है नो, इट मींस हमारा जो नो के साथ वर्ड्स है कौन कौन से, माइनर और मेजर भी, वो क्या होने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। सबसे पहले हमने देखा पेरिस, मैम पेरिस तो सेकेंड स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है, जिनको अभी तक नहीं पड़ा पता डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये बीच वाला सर्कल का पार्ट बनना, ठीक है, बीच वाला सर्कल होना, जैसे ऑल मेन आर क्रूअल, सो मैन जो है वो बीच में है ना, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। सो नो के साथ जो वर्ड होता है, यहाँ पर पेरिस ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है, यस डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है। दूसरा आर्यन, क्या आर्यन यहाँ पर है, नहीं, आर्यन तो राइट साइड पर है, आर्यन को तो यहाँ पर होना चाहिए था, दैट्स वाई ये हमारा ये भी स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। ये कौन सी हमारी फैलसी है, ये हमारी फैलसी है फैलसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई पड़ी है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मेजर। मेजर क्यों, क्योंकि माइनर वाला पेरिस तो हमारा ठीक जगह पर है, आर्यन जो सेकेंड मेजर वाला वर्ड था आर्यन, वो हमारा यहाँ पर होना चाहिए था लेकिन नहीं है। सो आई होप गाइज यू आर क्लियर विद दिस। नेक्स्ट चलते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पर, नो मेन आर quadruped, some quadruped are not rational, some rational being are not men, ठीक है। अब guys इसमें देखें, अब इसमें क्या गलती है हमारी, ये गलती है, पहले ये वाली गलती देखनी है कि कोई दो negative तो नहीं है, इसमें दो negative हैं, दो negative कभी भी conclusion draw नहीं कर सकते। पहली statement में भी हमारा no आ गया, इसमें भी हमारा no आ गया, so that's why no two negative कैन ड्रॉ कॉन्क्लूजन, कोई भी कॉन्क्लूजन ड्रॉ नहीं होता है, सो दैट्स वाई ये भी हमारा गलत हो जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, ऑल ऑनेस्ट आर हैप्पी, ऑल रिच आर हैप्पी, ऑल रिच आर ऑनेस्ट, ठीक है।
इसको देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ऑल 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 में हमारे दो रूल्स लगते हैं। सबसे पहले तो रिच वर्ड देखते हैं, रिच वर्ड क्या होना चाहिए, रिच वर्ड दैट इज हमारी माइनर टर्म क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट। ऑल में हम सिर्फ पहले वाला डिस्ट्रीब्यूट देखते हैं, अगर वर्ड नो लिखा हो तो हम देखते हैं कि दोनों डिस्ट्रीब्यूट हुए पड़े हैं कि नहीं हुए पड़े। तो रिच वर्ड गाइज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसके अकॉर्डिंग तो ये ठीक है। दूसरा रूल क्या हमारा कहता है, जो हमारी ट्रिपल ए मूड होता है ना, वो फिगर नंबर वन में हमेशा आता है। फिगर नंबर वन में हमेशा आता है कि मतलब है जो मिडल टर्म है वो इस तरीके से होनी चाहिए। अब हम देखेंगे क्या मिडल टर्म इस तरीके से है, नो, मिडल टर्म इस बार फिर हमारी लास्ट में है, दैट इज वो सेकेंड फिगर में एग्जिस्ट कर रही है। सो दैट्स वाई हमारा ये मूड, इनके अकॉर्डिंग मूड हमारा मूड एंड फिगर बनता है फिगर नंबर टू, लेकिन एक्चुअल में तो फिगर नंबर वन वैलिड होती है। सो दैट्स वाई ये भी हमारा गलत हो जाता है। ये कौन सी गलती है, ये आपको गलती भी पूछी जा सकती है। सो गाइज ये हमारी गलती होती है फैलसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। ये मिडल टर्म है ना, मिडल टर्म कौन सी होती है जो ट्वाइस बार अक्कर करे, हैप्पी हैप्पी कॉमन वाला होता है मिडल टर्म। सो फैलसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज के चलते हैं, सॉरी या लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज माई हैंड टचेज द पेन, माई पेन टचेज द पेपर, माई हैंड टचेज द पेपर। अब देखिए इसमें सबसे पहले हैंड टचेज पेन पेपर, सो ये हमारी क्या हो गई, चार टर्म्स हो गई, लेकिन एक्चुअल में तो कितनी टर्म्स आनी चाहिए, सिर्फ तीन। सो दैट्स वाई ये कौन सी फैलेसी है, फैलेसी ऑफ फोर टर्म्स, क्योंकि हमारी टर्म्स कितनी होनी चाहिए, तीन। सो आई होप गाइज यू एंजॉयड दीज सम ऑफ द क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगी अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो दैट आज 6 बजे लाइव क्लास है आपकी स्टार्ट्स के ऊपर, सो डू अटेंड इट। वहां पर आपके साथ लाइव इंटरेक्शन होगी, लाइव सेशन होगा, क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द सेम। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।